मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन होता क्या है और कितने तरह के न्यूट्रिशन हो सकते हैं, यानी इसके टाइप्स, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड में दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो हो सकती है ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि हम खाना खाते हैं, और इनऑर्गेनिक का मतलब कि इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या हो सकता है। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल ये हो सकता है कि जैसे हमें कैल्शियम की ज़रूरत हो सकती है, फास्फोरस की ज़रूरत होती है, आयरन की ज़रूरत होती है, जितने ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कैल्शियम पोटेशियम, फास्फोरस और कॉमन साल्ट यानी NaCl, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक क्या होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक चीज़ें होगी जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, और ऑर्गेनिक चीज़ क्या हो सकती है, जैसे मिल्क, भी एक ऑर्गेनिक चीज़ है। तो इस तरह से हमारा जो फूड होता है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चीज़ों से मिलके बना होता है। और जब हम उसको लेते हैं यानी इनटेक करते हैं उस फूड को, किस लिए, क्योंकि हमारी बॉडी को मेंटेन करना होता है, ग्रो करना होता है, और कहीं पर चोट लग जाती है यानी कोई पार्ट रिपेयरमेंट में होता है, उसके लिए भी फूड को खाना यानी इनटेक ऑफ फूड ज़रूरी होता है। दूसरा होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जैसे कि हमारी हार्ट बीट है, लंग्स कंटिन्यूसली ब्रीदिंग करते रहते हैं, और हमारी बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि हमारी लोकोमोशंस होती हैं, यानी एक प्लेस से दूसरे जगह पर जाना, और हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस होता है यानी ब्रेन की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब चीज़ों को हम क्या बोलते थे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। उन सब को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें न्यूट्रिशन चाहिए, यानी एनर्जी के लिए हमें न्यूट्रिशन भी चाहिए। और एनर्जी किस लिए चाहिए होती है, आपके डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। अब सबसे पहले जो न्यूट्रिशन आती है, जो ब्रॉड कैटेगरीज होती है, सबसे पहली आती है ऑटोट्रॉफिक, तो और दूसरी आती है हमारे पास हेटरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वहाँ पर होते हैं जहाँ पर ग्रीन कलर के पिगमेंट, ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गाई होते हैं, जो ये फोटो जो जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, यानी ये ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि अपना फूड अपने आप बनाने में कैपेबल होते हैं, यानी दे आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने की इनके पास कैपेबिलिटी है। तो ये अपना फूड खुद बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। क्योंकि इनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और उससे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपना जो फूड है खुद बना सकते हैं। इसलिए एक तरह से हो गया हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरे होते हैं हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो कि इन पर डिपेंड होते हैं, यानी किस पर डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर जो डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं हम हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। उनको बोलते हैं हीटरोट्रॉफ्स बोल देते हैं, इनको ऑटोट्रॉफ्स बोल देते हैं। अब हीटरोट्रॉफिक की जो न्यूट्रिशन है उसकी सब कैटेगरीज है। सब कैटेगरीज मतलब कि ये हमारे पास हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो होती है, होलोजेनिक न्यूट्रिशन होती है ये पार्ट, पी पार्ट इसका पैरासिटिक न्यूट्रिशन होती है, और सी पार्ट इसमें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होती है। तो होलोजेनिक न्यूट्रिशन में सबसे पहले जो हमारे पास होलोजेनिक न्यूट्रिशन करता कौन है, तो इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोटोजोवास। जितने भी प्रोटोजोवास है यानी इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉल इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्रोटोजोवास हैं जितने भी, तो प्रोटोजोवास में एक अमीबा है, एक पैरामीशियम जिसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो अमीबा और ये सब जितने भी प्रोटोजोवास हैं वो क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में एक चीज़ आती है एनग्लफिंग ऑफ फूड, यानी एनग्लफ्स द फूड। एनग्लफ का मतलब होता है एकदम से उसकी तरफ उस पूरे फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले लेना। तो उस पूरे फूड को एकदम से अपने बॉडी के अंदर ले लेना, उसको बोलते हैं एनग्लफिंग ऑफ फूड। तो इसलिए बोलते हैं इसको होलोजोइक। होलोजोइक मतलब एक साथ पूरा का पूरा फूड, होलो फूड अपनी बॉडी के अंदर ले लेना, उसको हम बोलते हैं क्या,
होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि अमीबा को अपने पास में दिखाई देगा कि एक फूड फूड है, यानी कोई भी दूसरा एक्सटीरियर जो फूड है वो उसको दिखाई देता है सराउंडिंग में। तो ये क्या करता है, अपनी जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको इस तरह से इसके चारों तरफ ले आता है और धीरे धीरे इसको क्लोज करके अपनी बॉडी के अंदर इसको एज ए फूड वैक्यूल इसके अंदर ये अपने अंदर इसको स्टोर कर लेता है, एज ए फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल इसको ये अपने बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है। फिर इसके साथ फर्दर प्रोसेस क्या होता है, जो ये फूड वैक्यूल इसकी बॉडी में चली जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंजेशन। इंजेशन मतलब अंदर आ गया, इन मतलब अंदर, इंजेशन मतलब उसको अंदर की तरफ फूड को अंदर खींच लिया। फिर जो उसके पास नेक्स्ट स्टेप होगी उसको बोलेंगे डाइजेशन, फिर उसको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट में क्या होगा, उसके जो बड़े पार्टिकल्स होंगे उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर लेगा। जब वो छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक्स हो जाएंगे तो उसको एब्जॉर्ब करेगा, यानी ए से बना एब्जॉर्ब एसिमिलेशन, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे एसिमिलेशन, यानी डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन यानी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद जब वो वेस्ट पार्टिकल हो जाएगा यानी उसके पास सब कुछ नहीं बचेगा तो उसको क्या कर देगा, इजेशन। इजेशन मतलब उसको अपनी बॉडी से बाहर की तरफ धकेल देगा एज ए वेस्ट मटेरियल। तो इस तरह की जो न्यूट्रिशन होती है उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं और ये पेपर में आपके कॉमनली पूछ ली जाती है और इसके एग्जाम्पल ही पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपको ये चार पार्ट्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई भी पैरासाइट मतलब कोई भी एक्सटीरियर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स यानी न्यूट्रिशन लेता है तो उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मॉस्किटो। तो मॉस्किटो क्या करता है कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर आकर के बैठ जाता है और अपनी जो न्यूट्रिशन होती है यानी जो ब्लड उसको चाहिए होता है और वो लेके चला जाता है। तो इस तरह की जो न्यूट्रिशन होती है पैरासाइट्स की, इनको बोलते हैं पैरासाइट्स, यानी इनका अपना कुछ नहीं होता लेकिन जो भी न्यूट्रिशन है दूसरे की बॉडी से बना बनाया जितना भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है वॉर्म्स। वॉर्म्स मतलब कोई भी कीड़े होते हैं जो कि दूसरे की बॉडी से चिपक के उसका जो न्यूट्रिशन होते हैं अपना न्यूट्रिशन उस बॉडी से ले लेते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल इसका हम बैट्स भी ले सकते हैं स्पाइडर भी ले सकते हैं। तो ये पैरासाइट्स होते हैं जो कि दूसरे की बॉडी से अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में जैसे कि कहीं पर भी काउ डंग केक पड़ा होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है या फिर कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म होता है तो उसको क्या होता है, डिके होना स्टार्ट हो जाता है। डिके का मतलब सड़ना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डिके होता है तो लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक होता है। जब वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है तो उस ड्यूरेशन में वहाँ पर होते हैं फंगीज एंड बैक्टीरियाज। तो फंगी और बैक्टीरिया अपनी जो न्यूट्रिशन है वो किससे लेते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन से लेते हैं। और उसमें वो क्या करते हैं, डेड और डिके और ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड लेते हैं। इसी के साथ जो हमारी जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है ये पूरी होती है। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।